मैं बाप बनूंगा भाईजा, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। हम पीर बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। ऐसा ना करो इस्माइल, रब का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कौन सा पीर बाबा? जो हमें रब की तरफ से अता नहीं हुआ, क्या वो हमें बाबा देगा? जो हमारी किस्मत में लिखा है हमें बस वही मिलेगा। वो सब जानते हैं, हमें रास्ता दिखाएंगे। जो लोग पीर बाबा की बात मानते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, हमें भी बच्चा मिलेगा। अब इस वक्त कौन आ गया है? ये कोई वक्त है किसी के घर आने का? ओह मेरे खुदाया, कौन है इस वक्त? गालिब भाई, बुरा मत मनाना, मैं मुसीबत में हूँ। ये कौन सी नई बात है? खैरियत तो है ना गालिब भाई? आसिया हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, और उसकी हालत भी ठीक नहीं। डॉक्टर ने कहा उसका इलाज ना किया गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। मैं इस वक्त तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ओह बेचारी। भाई मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और उसकी माँ के मरने के बाद मेरे पास कोई काम भी नहीं रहा। मैं आसिया को हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ भाई, और वो बेचारी वहाँ बेसहारा पड़ी है। खुदा के बाद मेरे पास सिर्फ आपका सहारा है भाई। इस्माइल, आसिया तुम्हारी भतीजी है, तुम किस तरह संगदिल बन सकते हो? उस बच्ची को इस तरह हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते। तुम्हें किसी ने कहा है बोलने के लिए? सुबह हमें पीर बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें याद नहीं किया? और तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो गालिब, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। भाई आप ऐसा मत कहें, आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। देखो गालिब, हर किसी का कोई ना कोई मसला होता है, जाओ और खुद अपना रास्ता ढूंढो। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आज तक मैं बाप ही नहीं बन पाया, लिहाजा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जरा रुकिए गालिब भाई। मेरी बच्ची की जिंदगी आपके हाथ में है पीर बाबा, मेरी मदद कीजिए। आप मेरे भाई से जो कहेंगे वो वही करेगा। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, मुझे उसका इलाज करवाना है। अगर आप मेरे भाई से कह दें तो मेरी बेटी जिंदा रह सकती है, यकीन करें बाबा, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा बच्चे? ये लीजिए पीर बाबा, मेरे पास बस यही है। मैं बाद में आपको पैसे भी दूंगा, और जब आप भाई को बच्ची के इलाज के लिए कहेंगे तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। तुम अपने भाई के बारे में जो भी कुछ जानते हो मुझे सब बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मेरी बात समझ गए ना? नसीब में है मैं देख रहा हूँ। देखो तुम्हारा बच्चा नजर आ गया इस्माइल, बच्चा तुम्हारे नसीब में जरूर है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। लेकिन आप ये सब कैसे देख रहे हैं? बचपन में तुम्हारे शोहर के हाथ पे चोट लगी थी, मैंने वो भी देखी है। देखा तुमने भाईसा, पीर बाबा हमारी हर बात जानते हैं, जो चोट मुझे बचपन में लगी थी वो भी जानते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, खुदा के लिए कुछ करें पीर बाबा, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता इस्माइल, तौबा करो। खामोश रहो। पीर बाबा आपके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सुनो, कल तुम्हारे घर से सोने का कंगन किसी को दिया गया, ये झूठ नहीं, मुझे साफ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा। ये सच है इस्माइल। क्या तुमने कंगन किसी को दिया है? वो मैंने गालिब भाई को दिए हैं, तुम नाराज हो गए इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मैं जो भी कहता हूँ जो भी बताता हूँ हमेशा सच होता है इस्माइल, मेरा देखा हुआ झूठ नहीं होता। प्लीज आप नाराज मत हो बाबा, आप सब जानते हैं आप ही हमारा आखिरी सहारा है बाबा। एक बच्ची है, नाम है आसिया, तुम्हारी भतीजी, हर चीज उसी की तरफ इशारा कर रही है, ये अच्छी तरह जान लो।
अगर वो लड़की जिंदा रही तो तुम बाप बनोगे इस्माइल, अगर आसिया मर गई तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन आसिया तो बीमार है। लेकिन तुम उसे बचाओगे, बचाओ उसे। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो आसिया को जिंदा रखना होगा इस्माइल। तो फिर ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा पीर बाबा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस आप मेरे सर से अपना हाथ मत उठाइएगा। मैं पीर बाबा की बातें सुनकर परेशान हो गई हूँ इस्माइल, दोबारा मुझे उसके पास बिल्कुल मत लेके जाना। उन्हें हर चीज का पता है। हर चीज का नहीं, बस कुछ ही चीजों का। इन लोगों ने अपने आदमी छोड़े होते हैं जो इन्हें लोगों की खबरें देते हैं, लेकिन जो अल्लाह कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर, हमने हर तरह कोशिश करके देख लिया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब आसिया के बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। लेकिन आप लोगों के पास इतने महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो शायद फिर कोशिश करके हम इस बच्ची की जान बचा सकते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर, मेरी भतीजी को कुछ नहीं होगा, ये जिंदा रहेगी, और अगर ये मर गई डॉक्टर तो समझो कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज इसे बचा लो डॉक्टर। अगर ऑपरेशन हो जाए तो बचने का चांस है, आप बस पैसों का इंतजाम कर लें फिर ऑपरेट करते हैं। मैं पैसे लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी जिंदगी इस लड़की से जुड़ी है डॉक्टर। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, मुझे बचा ले। मैं तुम्हें बचाऊंगा बेटी, जरूर बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कुछ भी करके तुम्हें बचाऊंगा। मैं पैसे लेकर आता हूँ भाई साहब। इस्माइल भाई, आप लेट हो गए, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए, चलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। पैसे मैंने बैंक में जमा कर लिए। जी मैडम। इस्माइल भाई आ गए। जी, आपका अकाउंट में अभी चेक कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस्माइल, यहाँ पे साइन कीजिए। अच्छा ठीक है, ले पे आपको चेकबुक इशू हो जाएगी। आखिर तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे इस्माइल? ये ले। इस्माइल भाई, क्या ख्याल है, चलें? हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ लाइए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ये 50 चेक करूँगी। आ जाइए। इस्माइल भाई जल्दी चलिए। मेरे अल्लाह, रसीद में अंदर ही बुलाया, नूर जहां बेगम नाराज होंगी, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? गाड़ी दाएं लो वरना गोली मार दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है, ये पैसे लेकर मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना है, ये पैसे वहां पहुंचाने बहुत जरूरी है। पहुंच चुके हो अब्दुल्ला, अब नीचे उतरो। कहां पहुंच गया हूं मैं, और फरहत कहां है? खत्म होने वाली है अब्दुल्ला। ये क्या है, या तो तुम पोस्टमैन हो या पागल हो जो सड़कों पे इस तरह घूम रहे हो। तुम्हारे लिए दूसरी दुनिया से खबर लाया हूँ अब्दुल्ला। मुझे किसी खबर की जरूरत नहीं, मुझे एक जिंदगी को बचाने के लिए जाना है। जिंदगी अता करने वाला और लेने वाला वो रब ही है अब्दुल्ला।
तुम्हारी अपनी जिंदगी का तो पता नहीं, और तुम एक और जिंदगी बचाने जा रहे हो। पहले अपनी आखिरत की फिक्र करो अब्दुल्ला। अब बहुत हो गया, बस देखो यार, मुझे किसी की जिंदगी बचानी है। ये पैसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। मैं अपनी भतीजी की जिंदगी खरीदूंगा। जिंदगी खरीदी नहीं जाती, दी जाती है अब्दुल्ला। और अब वक्त आ चुका है दी हुई चीज वापस लेने का, और इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी को जिंदा रखना और मार देना सिर्फ रब के हाथ में है। इस दुनिया में सिर्फ वही होता है जो कि अल्लाह को पसंद है। देखो, मैं ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है अब्दुल्ला। कोई अच्छा काम करने के लिए गलत काम का इंतखाब करना गुनाह का इर्तकाब करना है अब्दुल्ला। किसी के काम ना आने वाले कागज के टुकड़े हमें मौत की याद दिलाते हैं, बेसहारा लोग मौत की याद दिलाते हैं, और गुमराह करने वाले हमें मौत की याद दिलाते हैं। तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम मुझे यहां से जाने दो। हर चीज बेशक अल्लाह के हाथ में है अब्दुल्ला। तुम जिंदा हो इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचा लो। जहां तक हो सके तुम कोशिश करो नेक अमाल करने की। अपने हिसाब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। तो ये ख्वाब था। मैं रसीद ले आया, अगर हम भूल जाते तो दोबारा लेने के लिए आना पड़ता। ये लीजिए। अगर वो लड़की जिंदा रही तो तुम बाप बनोगे इस्माइल। भरत, मेरे घर चलो, मुझे थोड़ा काम है। मेरी एक जरूरी फाइल घर पर रह गई है, उसे लेकर ऑफिस चलते हैं। वो क्या है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं इस्माइल भाई, बाद में ले लेंगे। ये बहुत जरूरी है भरत, मुझसे बहस मत करो, हम घर जा रहे हैं। ठीक है इस्माइल भाई। आपने ये दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? घर में मुझे कोई काम नहीं था फरत, मुझे इन पैसों की अशद जरूरत है। लेकिन ये पैसे नूरजहां बेगम के हैं भाई, आप जानते हैं ना भाई, उस औरत ने बिजनेस बचाने के लिए अपना घर बेच दिया। मेरी जिंदगी कंपनी से ज्यादा जरूरी है फरत, ये एक बीमार लड़की और एक पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। हम कहेंगे पैसे चोरी हो गए, रास्ते में हम पर हमला हो गया था। अब ऐसा है कि तुम मुझे मारोगे, ठीक है? चलो मारना शुरू करो जल्दी, चलो मारो। नहीं, मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकता भाई, कभी नहीं उठा सकता। ये होगा फरत, और जरूर होगा। भाई ऐसा मत कीजिए, चले ऑफिस चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। प्लीज भाई ऐसा मत करें, मैं चोर नहीं हूँ भाई। तो क्या मैं चोर हूँ? देखो मैं सिर्फ जरूरतमंद हूँ मेरे भाई, कभी कभी इंसान को वो भी करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, फौरन दरवाजा खोलिए। हाँ तो ये बात है, ये पैसे मुझे बच्चे का बाप बनाएंगे फरत। तुम समझते क्यों नहीं, इन पैसों से मैं बाप बन सकता हूँ। इस्माइल भाई आप ऐसा मत करें, ये तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। मेरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, प्लीज होश कीजिए। ऐसा है क्या? अब आसिया को जिंदा रहना होगा। अभी पैसे मैं डॉक्टर को दूंगा।
आसिया की जान बच जाएगी। ये तो घर का रास्ता नहीं है, क्या हम घर नहीं जा रहे इस्माइल? मैंने आपसे कहा था ना मैं आ रहा हूँ मैडम, तो फिर पुलिस को खबर क्यों दी? बोलिए बोलिए। कोई खबर नहीं दी मैंने, तुम फौरन आ जाओ, जल्दी, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास है, अब आसिया को जिंदा रहना होगा। अभी पैसे मैं डॉक्टर को दूंगा और आसिया की जान बच जाएगी। एक बात याद रखना अब्दुल्ला, किसी के काम ना आने वाले ये कागज के टुकड़े मौत की याद दिलाते हैं। अंकल मुझे बचा ले। मेरी बात जहन में रखो, उस लड़की का जिंदा रहना जरूरी है, वो जिंदा रही तो तुम बाप बनोगे इस्माइल। मुझे अब जाना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो गई है। देखिए मुझे डॉक्टर साहब से एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ जी ठीक है, ओके मैं कर दूंगी। डॉक्टर साहब मैं पैसे ले आया हूँ। डॉक्टर साहब आज ही आशा का इलाज शुरू कर दें, जल्दी कीजिए डॉक्टर, प्लीज जल्दी। इस्माइल आई एम सॉरी। नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था, मुझे उस बच्ची की मौत का बहुत अफसोस है। मेरे आने तक तुम उसे जिंदा नहीं रख सकते थे क्या? किस तरह के डॉक्टर हो तुम, थोड़ी देर उसे जिंदा नहीं रख सकते थे? क्या देखो, मेरा काम मरीजों को ठीक करना है भाई, मरीज का जिंदा रहना या मर जाना हमारे हाथ में नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह का एक आम इंसान हूँ और एक ना एक दिन मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी इस्माइल। तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, अगर तुम डॉक्टर होते ना तो मेरी भतीजी कभी ना मरती। शफा देने वाला मैं नहीं हूँ इस्माइल, मैं तो बस शफा के लिए सिर्फ एक वसीला हूँ, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बेसहारा हो जाना हमें मौत की याद दिलाता है। जो हो गया वो बदल नहीं सकता डॉक्टर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब मेरा बच्चा नहीं होगा, मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। एक साल इंतजार क्यों नहीं किया? हिम्मत से काम लो इस्माइल भाई, सब्र करो। तुम्हारा ब्रीफकेस। क्या करूं? मैं इस्माइल बात कर रहा हूं पीर बाबा। पहचान लिया, बोलो। प्लीज मेरी मदद करें, आसिया मर गई, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आपने कहा था आसिया मर गई तो बच्चा नहीं होगा। खुदा के लिए मेरी किसी भी तरह मदद करें बाबा। बाबा मैं अब क्या करूं, समझ नहीं आ रही। तुम फिक्र मत करो बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आते हुए कहीं पैसे मत भूल जाना मेरा बच्चा। जी ठीक है पीर बाबा, शुक्रिया। इस्माइल साहब, आप इमरजेंसी वार्ड में जाकर अपनी वाइफ से मिल लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्रिया। यू वेलकम मैम। तबीयत कैसी है बायजा? मैं ठीक हूँ। मैंने बाबा से बात की है, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्यों फिक्र करने की जरूरत नहीं है इस्माइल, आशिया के साथ अच्छा नहीं हुआ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अल्लाह से डरो। मैं पैसे ले आया था, चाहता था कि आसिया ना मरे, पता नहीं मैंने कहां कहां सर पटका।
लेकिन रब के सजदे में सर क्यों नहीं झुकाया इस्माइल? अच्छा, मुझे अब यहाँ से जाना होगा भाईजा। रुको इस्माइल। देखो भाईजा, मुझसे गुनाह हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, उसे ठीक करने जा रहा हूँ। अरे भाई देख के चलो। रुको रुको, चलो भाई जल्दी करो जल्दी करो। रुको 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 रुको, ये लो। क्या हुआ? ये इस्माइल अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहा? मेरे खुदाया, इस्माइल आखिर कहाँ हो तुम? अभी तक पैसे लेकर पहुँचे क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था ना मैं आ रहा हूँ मैडम, तो फिर पुलिस को खबर क्यों दी? बोलिए बोलिए। कोई खबर नहीं दी मैंने, तुम फौरन आ जाओ, जल्दी, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं जेल, मैं पाप बनूंगा। से रास्ता बंद है, यहाँ एक हादसा हुआ है, इसलिए तुम्हें पिछली गली से जाना होगा। ठीक है ऑफिसर। हाँ 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। तकलीफ के लिए माजरत। ठीक है, वहीं से जाता हूँ। आज तो खूब माल हाथ आया। हाँ, रुको रुको, मैं कहता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? भाई मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? तुमने मेरे सामने उठाया था, मैंने देखा था। हमें किसी बैग का नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ मेरा बैग तुम दोनों ने ही लिया है। अगर वो बैग इतना ही कीमती था तो तुमने उसे कचरे में क्यों फेंक दिया था? अरे भाई उठो, मेरे पास उठो भाई, ज्यादा लगी तो नहीं।
उस बैग में मेरी जिंदगी है, मुझे अभी वो बैग चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, बताता हूँ। वो बैग हमने खलील भाई के आगे भेज दिया है। कहाँ मिलेगा वो खलील? उधर वहां पर। उठो भाई उठो, शाबाश शाबाश। बात सुनो, मुझे खलील से मिलना है। मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा, तुम कौन हो? लेकिन मैंने उसे इधर ही आते हुए देखा है। इधर वो सुबह से नहीं आया। छोड़ो ये बैग मेरा, मेरा ये बैग छोड़ो, से दो मिनट छोड़ो इस बैग को, मेरा ख्वाब है। छोड़ो बैग वरना जान से मार डालूंगा। छोड़ो बैग, छोड़ो छोड़ो बैग। मुझे जाना होगा, बाबा इंतजार कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे बाबा कहने वाला दुनिया में जरूर आएगा। कहाँ रह गए थे इस्माइल? बाद में बताऊंगा भाईसा, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने मुझे काफी देर से डिस्चार्ज कर दिया है, मैं तो बस तुम्हारे इंतजार में थी। भाईसा मैं तुम्हें सब रास्ते में बता दूंगा, चलो जल्दी। लेकिन ये तो बताओ कहाँ जाना है? मैंने कहा ना बता दूंगा, आप चलो जल्दी चलो। ये तो घर का रास्ता नहीं है, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं इस्माइल? अभी सब बताता हूँ। देर के लिए तो रुकेंगे भाईसा। तो मुझे घर क्यों नहीं लेकर गए, यहाँ पर क्यों ले आए हो? प्लीज कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। आराम करो, मैं बाजार से कुछ खाने को लाता हूँ। इस्माइल देर मत करना प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँगी? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द आ जाऊँगा। अगर आप सब जानते थे तो फिर अपनी मौत का क्यों नहीं पता चला? बहुत बहुत मुबारक हो सेवता, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। मैंने गलती की, माफ कर दो मुझे। इस्माइल, बहुत भयानक ख्वाब था। कैसा ख्वाब? क्या देख लिया तुमने भाईजा? मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है इस्माइल। ठीक है खामोश हो जाओ, खामोश। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठ कर मुझे बताओ। तुम एक गड्ढे में गिरे हुए थे और तुम्हारी बॉस नूरजहां तुम पर मिट्टी डाल रही थी और तुम्हारे इर्द गिर्द आग जल रही थी इस्माइल। पीर बाबा मैं हूँ, पीर बाबा। कहाँ हैं आप?
नहीं सकते? आप तो ताकतवर थे, आपने तो मुझे रास्ता दिखाना था, कैसे मर सकते हैं आप? गुमराही का रास्ता दिखाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। अगर आप सब जानते थे तो फिर अपनी मौत का क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब भाईसा ठीक कहती थी। तुम्हें गड़े में गिरे हुए थे और तुम्हारी बॉस नूरजहां तुम पर मिट्टी डाल रही थी और तुम्हारे एक गिरदाग चल रही थी इस्माइल। बहुत बहुत मुबारक हो सेवता, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिंस लिख देती हूँ। hey, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि हमारे पैसे खा जाओगे और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? चलो चलो अभी बताता हूँ तुम्हें। चलो दरवाजा खोलो खोलो, जल्दी करो, चलो छोड़ो छोड़ो चलो छोड़ो। ठीक है ठीक, निकालो पैसे, जल्दी निकालो। देता हूँ। लो, तसल्ली करो अच्छी तरह। अब तुम्हारा काम खत्म। इस्माइल, फोन उठाओ ना इस्माइल, मुझे तुम्हें बताना है कि तुम बाप बनने वाले हो। मैं तेरा बनता आजिज हूं, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये बात हुई ना, अब पैसे मेरे पास हैं। अब आसिया को जिंदा रहना होगा। अब ये पैसे मैं डॉक्टर को दूंगा और आसिया की जान बच जाएगी। उठिए, आप मर नहीं सकते, आप तो ताकतवर थे, आपने तो मुझे रास्ता दिखाना था, कैसे मर सकते हैं आप? एक मौका दे दो प्लीज, एक मौका दे दो, मैं गुनाहगार हूँ। जो गुनाह मैंने किए हैं मैं उनकी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो, माफ कर दो मुझे। मैं नूरजहां से माफी मांगूंगा। मैंने सब गुनाह अपने बच्चे को पाने के लिए किए, लेकिन मैं नहीं जानता था, मैं अनजाने में गुनाह कर रहा हूँ। ऐ मेरे खुदा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है अब्दुल्ला, जो किया है उसकी सजा दे दो। इसके बावजूद फिर भी तुम बार बार गलती पर गलती करते ही चले जाएंगे। नहीं, नहीं, एक मौका दे दो,
मैंने नूरजहां का हक खाया, मैं अपनी ख्वाहिश में अंधा हो गया था। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की, माफ कर दो मुझे। मैं अपने रब को भूल के पैसों के पीछे भागा। खुदा के लिए कोई मदद कीजिए। खुदा रब, हमें चाहिए इस्माइल को, मदद कीजिए। खुदा के लिए इसकी मदद कीजिए। या अल्लाह रहम, कोई मदद कीजिए। किसी को गुनाह के बगैर कभी भी अजाब नहीं मिल सकता अब्दुल्ला। और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए जन्नत होती है। मैं चल रहा हूँ भाईसा, मैं चल रहा हूँ। क्यों, आखिर क्यों इसने अपनी आखिरत तबाह कर ली? क्योंकि ये रब को भूल गया था, जाकर दूसरों से मदद मांगता था, इसीलिए वो लोग इसे गलत रास्ते पर ले गए, और इसी वजह से तुम्हारा शौहर अजाब में मुब्तला है। क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ? फिलहाल तुम्हें बस ये करना होगा अब्दुल्ला, जिन लोगों से इसने ज्यादती की वो इसे माफ कर दें, और इसके बाद बाकी सब तुम अल्लाह की जात पर छोड़ दो। इस्माइल अजाब में है नूरजहां बेगम, और अजाब खत्म नहीं हो रहा। मैं तुमसे क्या कहूँ बहन, मैं बस अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ। उसने मुझे दुख तो बहुत दिए, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा वर्कर था। पता नहीं कैसे गलती कर गया। आप उसे दिल से माफ कर दें। जो लोग उसे मार कर पैसे ले गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, मेरे पैसे वापस मिल गए। मैं नाराज थी, लेकिन अब मैं उसे माफ करती हूँ। निकालो मुझे इस आग से, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। नूरजहां बेगम ने इसको माफ कर दिया, इस्माइल असली अजाब में क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने रब की जात का शिर्क किया था। इसने पैसे, पीर बाबा और डॉक्टरों को खुदा समझ लिया। बचा, बचा। इसका यही गुनाह ही सबसे बड़ा गुनाह है और नाकाबिले माफी है। मैं साथ में चल रहा हूँ, कोई मुझे निकाले।